नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं वकांडा फॉरएवर से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। अपडेट तो इतना ज्यादा कमाल का है कि आप सुनकर शॉक होने वाले हो। आज मैं बात करने वाला हूँ वकांडा फॉरएवर के प्लॉट लीक के बारे में। अब सबसे बड़ी बात जो कि मैं आपको पहले कहना चाहूंगा कि ये एक बहुत बड़ा स्पॉइलर है, यानी कि स्पॉइलर का मतलब समझ रहे हो, बहुत ही बड़ा स्पॉइलर। इस पूरे प्लॉट लीक में आपको मैं पूरी स्टोरी बता सकता हूँ, जिसको सुनकर आप खुश भी होने वाले हो, और अगर जो मार्वल का डाई हार्ड फैन है तो उसके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जो मार्वल का डाई हार्ड फैन नहीं है और उसको मूवी डायरेक्ट थिएटर में देखनी है तो उस वीडियो को स्किप कर सकता है। पर ओवरऑल अभी तक कोई भी टीजर या ट्रेलर या फर्स्ट पोस्टर या फर्स्ट लुक रिलीज नहीं हुआ है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सैन डिएगो कॉमिक कॉन में इसका फर्स्ट टीजर अनाउंस होने वाला है, रिलीज होने वाला है, फर्स्ट पोस्टर आने वाला है। तो तब तक अगर कोई प्लॉट्स आते हैं तो ऐसा कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, पर ये प्लॉट सुनकर आप लिटरली खुश होने वाले हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्लॉट को, जो कि पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताऊंगा और आप इसको सुनकर एकदम पागल होने वाले हो। तो ये बात है वकांडा फॉरएवर के स्टार्टिंग के टाइम की, जब लेक वेल जो कि एक बहुत ही कमाल की एक्टर है, वो एक साइंटिस्ट का कैरेक्टर प्ले कर रही है इस मूवी में, जो कि अपनी टीम के साथ ओशन में जाती है वाइब्रेमियम की खोज करने के लिए। वकांडा के पास काफी सारा वाइब्रेमियम है जो कि वो किसी के साथ बांटना नहीं चाहता है, तो यहीं पर वो साइंटिस्ट और साइंटिस्ट की जो पूरी टीम होती है वो ओशन की तरफ जाती है, क्योंकि वकांडा के सबसे पास ओशन ही है और वहां पर काफी सारा वाइब्रेमियम है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि जब वो इन्हें अंडर वाटर में खुदाई कर रही होती है पूरी टीम और बड़ी बड़ी ड्रिल मशीन का यूज कर रही होती है, तो तभी वहां पर भूकंप आते हैं। और एक इसकी बड़ी हिंट आपको एवेंजर्स एंड गेम के टाइम मिली होगी, जब ओकोई कहती है कि यहाँ पर काफी ज्यादा भूकंप आ रहे हैं और हम उसका ही चेकअप कर रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे कि वो भूकंप का हिंट हमें आज जाके फाइनली रिवील्ड होगा। अब यहाँ पर जो मशीन बनाई गई थी वो बनाई गई थी रीरी विलियम्स के माध्यम से, जो कि एक आयरन हार्ट का कैरेक्टर प्ले करने वाली आने वाले फ्यूचर में। और नेमोर को ये बात पता चलती है कि कोई ओशन के अंडर आया है और बड़ी बड़ी मशीनों का यूज कर रहा है और उससे मेरा घर तबाह हो रहा है, वो पूरी टीम को खत्म कर देता है, लिटरली खत्म कर देता है, तो हमें इसका मतलब कि खून खराबा तो दिखने ही वाला है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि नेमोर मदद मांगने जाता है वकांडा के पास। अब आप यहाँ पे कहोगे कि भाई वकांडा के पास क्यों मदद मांगने जाता है, तो इसका सबसे बड़ा हिंट हमें मिला था साल 2010 में आई मूवी आयरन मैन 2 में, जिसमें कि न्यूक फ्यूरी मदद मांगने जाता है आयरन मैन से और कहता है कि मैं एक एवेंजर्स की टीम बना रहा हूँ, उसमें तुम मेरा साथ दो। आपने नोटिस करा हुआ कि साउथ अफ्रीका पे एक साइन बना हुआ है और प्लस ओशन में भी एक साइन बना हुआ है, यानी कि हमें वहीं से हिंट मिल चुकी थी कि वकांडा इंट्रोडक्शन होने वाला है आने वाले फ्यूचर में, और फाइनली नेवोर भी इंट्रोडक्शन होने वाला है आने वाले फ्यूचर में, यानी कि एटलांटिस, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब फाइनली यहाँ पे वकांडा मदद करने से मना कर देता है और नेमोर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर नेमोर पता लगा लेता है कि जो बड़ी बड़ी मशीनों को यूज करा जा रहा था जिससे कि उसका घर तबाह हो रहा था, वो बनाई थी रीरी विलियम्स ने, और रीरी विलियम्स का कोई बहुत बड़ा कनेक्शन होगा वकांडा से, और नेमोर उसको मारने के लिए जाता है। और यहाँ पर वकांडा को ये चीज पता चल जाती है और वकांडा रीरी विलियम्स को पूरा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, और वहां पे फिर छिड़ता है युद्ध, जो कि बहुत ही घमासान युद्ध होता है और काफी देखने लायक होता है। इसके कुछ विजुअल्स की सेट इमेजेस हमें ऑनलाइन आई थी, लीक्स हुई थी, जो कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और मूवी के मिड के सीन में हमें एक ऐसा सीन दिखाया जाता है, जैसा कि आप सबको पता होगा कि ब्लैक पैंथर का कैरेक्टर प्ले करने वाले चैडविक बॉसमैन अब तो रहे नहीं, तो मूवी में भी हमें एक्यूरेट एक ऐसा सीन दिखाया जाएगा कि टिचाला किसी बीमारी के ग्रस्त मारा गया, शायद होप ऐसा हो, क्योंकि ये प्लॉट है, रूमर है, कोई कंफर्म नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि शायद मूवी में काफी इमोशनल सीन होने वाला है उन डाई हार्ड फैंस के लिए जो कि ब्लैक पैंथर के हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि मूवी में उसके बाद क्या होता है। तो नेमोर अपनी पूरी सेना को और खुद मिलकर रीरी विलियम्स को मारने के लिए जाता है, पर वकांडा उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है, और यहीं पर ही रीरी विलियम्स देखती है कि भाई सब लोग मेरी मदद कर रहे हैं तो मैं क्यों अकेली बैठी हूँ। तो फाइनली वो अपना फर्स्ट मार्क 1 आयरन मैन सूट बनाती है वाइब्रेमियम से और कुछ कार के पार्ट से, जो कि रेड कलर का होता है, और उसकी भी फर्स्ट लीक्स हमारे सामने आ चुकी, जो कि मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और देन फाइनली वॉर छिड़ जाता है, युद्ध छिड़ जाता है, और वहाँ पर शुरी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वो टेंशन में होती है कि मैं क्या करूँ, और फाइनली शुरी सोचती है कि मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो शुरी यहाँ पे फैसला लेती है कि भाई मुझे अपना एक आर्टिफिशियल फ्लावर बनाना पड़ेगा, ये वही फ्लावर है जो कि किलमोंगर ने ब्लैक पैंथर मूवी में तबाह कर दिया था। और शुरी वो आर्टिफिशियल फ्लावर बनाने में सक्सेसफुल हो जाती है, उसको खा लेती है, और वो पहुंच जाती है पूर्वजों के पवित्र जगह पर, जहाँ पे सारे उसके पुराने ब्लैक पैंथर पूर्वज थे। बट शुरी ढूंढ रही होती है टिचाला को, शुरी चाहती थी कि टिचाला मेरी मदद करे, पर यहाँ पर सरप्राइज सबसे बड़ा होता है, जो कि मेरे लिए शॉकिंग था इस प्लॉट में, कि किलमोंगर फाइनली रिटर्न होता है उस मोमेंट में, और किलमोंगर मदद करता है शुरी की बिकम न्यू ब्लैक पैंथर। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो जाता है, मेरे तो गूज़बम्प्स ही खड़े हो जाते हैं,
जब किलमोंगर आता है और वो शुरी को संभालता है और एक नया ब्लैक पैंथर बनाता है, और फाइनली किलमोंगर इसमें सक्सेसफुल हो जाता है और हमें नया ब्लैक पैंथर फीमेल इंट्रोडक्शन कराया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि शुरी फाइनली अपना एक न्यू सूट भी बनाती है जो कि उसके कॉस्ट्यूम के अंदर होता है, और उसकी भी फर्स्ट लुक आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और फाइनली जैसे ही शुरी ब्लैक पैंथर बन जाती है तो वहीं पर ही युद्ध के दौरान शुरी की मॉम भी मारी जाती है, जो कि बहुत बड़ा इवेंट होता है और इस चीज का भी काफी बड़ा झटका शुरी को पहुंचता है। और फाइनली दो नेशन के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है जो कि होती है एटलांटिस के बीच में और वकांडा के बीच में, और ये लड़ाई हर न्यूज चैनल पे होती है क्योंकि ये दो नेशन की लड़ाई है जो कि इनके बीच में अब दरारें पड़ चुकी हैं। तो फाइनली जैसे इस मूवी का एंड होते होते नेमोर को पता चल जाता है कि शायद गलती और किसी की थी और वकांडा को उसने गलत समझ लिया था, और यहीं से कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं और फाइनली दोनों नेशन में शांति आ जाती है। अब यहाँ पे वकांडा का एक न्यू किंग बनता है जो कि होता है एम्बाकू। एम्बाकू फाइनली अपने पहाड़ों को छोड़कर बर्फ वाले और वकांडा का न्यू किंग बन जाता है, जो कि उसका साल 2018 से सपना होता है कि वो वकांडा का किंग बने। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, कुछ पॉइंट्स जो निकल के आते हैं इस प्लॉट में, कि हमें न्यू ब्लैक पैंथर देखने को मिलती है फीमेल, वकांडा का नया किंग देखने को मिलता है, किलमोंगर देखने को मिलता है, और उसी के साथ सबसे बड़ा जो हाईलाइट अपडेट है इस प्लॉट का कि नाकिया और टिचाला का एक बेटा भी होता है। हर चीज में आपने नोटिस करा होगा कि जितनी भी अब तक मूवीज आ रही हैं सब में हमें बच्चे दिखाई जा रहे हैं, यानी कि आने वाले फ्यूचर में हमें एक यंग एवेंजर सेटअप मूवी तो देखने को मिल सकती है। और फाइनली जैसी एंडिंग स्टार्ट होती है, सबके क्रेडिट्स आते हैं, तो हमें पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है, और वो पोस्ट क्रेडिट सीन आपको हिला डालेगा, लिटरली मतलब हिला डालेगा। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो स्टार्टिंग में साइंटिस्ट आए थे, वो एक्चुअली में डॉक्टर डूम ने भेजे थे। जी हाँ, और यहीं से कंफर्म हो जाता है कि आने वाले फ्यूचर में फैंटास्टिक फोर मूवी आने वाली है, और डॉक्टर डूम काफी टाइम से अर्थ 616 पे था, जो कि काफी गलत गलत एक्सपेरिमेंट करता था, और वाइब्रियम का वो यूज चाहता था जो कि उसे वकांडा से मिला नहीं, और उसने ओशन से लेना चाहा वो भी उसको नहीं मिल पाया, पर थोड़ा सा वाइब्रियम उसको मिल चुका है, जो कि आने वाले टाइम में वो क्या करेगा, या तो अपना सूट बनाएगा या फिर आने वाले टाइम में कोई वो खतरनाक टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा। और इसी से कंफर्म हो जाता है कि हमें आने वाले फ्यूचर में टिचाला का बेटा, न्यू ब्लैक पैंथर, एम्बाकू न्यू किंग और डॉक्टर डूम, बहुत कुछ दिखने वाला है आने वाले फ्यूचर में। तो गाइस ये था फुल प्लॉट, मुझे इस प्लॉट पे थोड़ा बहुत तो यकीन है, और बाकी आपके ऊपर है कि आपका ओपिनियन क्या कहता है। और बाकी वेट करते हैं संडे को कॉमिक कॉन का फर्स्ट टीजर का, फर्स्ट पोस्टर का, फर्स्ट लुक का, कि सब कुछ कैसा होगा, और अगर उसमें कोई भी झलक देखने को मिलती है तो लिटरली ये प्लॉट ट्रू होगा तो मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे ब्लैक पैंथर से थोड़ी कम उम्मीद लग रही थी, पर अगर ऐसा कुछ प्लॉट हुआ तो लिटरली ये मूवी थिएटर में धमाके मचा देगी। कम से कम थॉर लव एंड थंडर और डॉक्टर स्ट्रेंज से तो बढ़िया ही होनी चाहिए ये मूवी। कोई मल्टीवर्स नहीं, कोई बकचोदी नहीं, कोई स्पेस गैलेक्सी एडवेंचर नहीं, ओनली ट्रू ड्रामा, ट्रू फाइट और एक अच्छी इमोशनल मूवी। तो गाइस ये था वो काफी कमाल का अपडेट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। बाय बाय, जा रहा हूं।